आस्किंग द सेम थिंग। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने हाई कमांड को अपनी बात बोल दी है। हाई कमांड क्या फैसला करती है वो उस पर अब निर्भर करती है। इसमें हमारे प्रभारी सीएम साहब, उप मुख्यमंत्री ठाकुर कौल सिंह जी एंड मुकेश अग्निहोत्री जी विल बी देयर, ठाकुर रामलाल जी विल ऑल्सो बी देयर, एंड वी विल टॉक अबाउट द व्हाट टू डू इन फ्यूचर, हु हैज टू बी गिवन टिकट्स, दैट आई थिंक दैट वी विल कन्वीन। मैम एक बड़ी चुनौती ये है कि जो बाय इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के रेबल एमएलए, उनके खिलाफ कौन खड़ा हो? देखिए अभी तो हमने तलाश करनी है, देखना है कि कौन सीट निकाल सकता है, उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। और बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने हाई कमांड को अपनी बात बोल दी है। हाई कमांड क्या फैसला करती है वो उस पर अब निर्भर करता है। अब मुझे क्या पूछना, वो तो बीजेपी के कैंडिडेट है, बीजेपी ने उनको फील्ड में उतारा है। ठीक है, जो भी होगा सामना करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और लड़वाएंगे और कांग्रेस को जितवाएंगे। हिमाचल में जिस तरह से हो रहा है उसी तरह उसी तर्ज पे पंजाब में भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस के या एक्स कांग्रेस के कई नेता हैं जो बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? अब इस पे सोच करना पड़ेगा और मंथन करना पड़ेगा, और हम चाहेंगे कि जिनकी विचारधारा उनसे मिलती है ठीक है, उनको वहाँ ठीक लगा तो हम भी तलाश करेंगे कि अच्छा कोई नेता हो या अच्छा हमारी तरफ से कोई कैंडिडेट हो, उनको फील्ड में उतारेंगे और कांग्रेस को विजय बनाएंगे। बयानबाजी कितना नुकसानदायक हो सकती है किसी पार्टी के लिए? क्या बीजेपी बीजेपी से मुझे नहीं उस पर कमेंट करना है। व्हाट शी सेड आई डोंट नो एंड आई डोंट लाइक कमेंटिंग ऑन समबडीज कमेंट। व्हाट शी हैज सेड दैट इज अ पर्सनल व्यू, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। थैंक यू।